जैसा कि पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी और बसपा, कांग्रेस, सपा, महान दल, अपना दल, कमेरावादी मिल करके उत्तर प्रदेश से एनडीए को हराएंगे। लेकिन कुछ कारणवश समाजवादी पार्टी के नेताओं की वजह से और कांग्रेस के कुछ नेताओं की वजह से बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं आ सकी और मायावती ने स्पष्ट घोषणा किया कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी और बहुजन समाज पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चाल ऐसी चल दी है कि आज इंडिया गठबंधन परेशान है। आज मैं बहुजन समाज पार्टी के चाल पर और इंडिया गठबंधन क्यों परेशान है, क्यों उसको पछतावा हो रहा है कि बसपा को गठबंधन में ना लेकर उसका क्या नुकसान हो गया, हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। अंत तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि वह 80 में 80 जीते। वहीं इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, महान दल, अपना दल, कमेरावादी हैं, वो चाहती है कि वो अधिकतम सीटें जीते। लेकिन आप भी जानते हैं कि बिना बहुजन समाज पार्टी के यह चीज़ संभव नहीं था। बिना बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल हुए यह चीज़ संभव नहीं था कि एनडीए को उत्तर प्रदेश में रोका जा सके। ऐसी कंडीशन में कांग्रेस पार्टी ने पहल किया कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कुछ कांग्रेस के नेताओं की वजह से इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी नहीं शामिल हो पाई। यहाँ तक तय था कि बसपा अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगी इंडिया गठबंधन, वो भी नहीं हो पाया। तो जब ये नहीं हो पाया, तब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चाल चल दी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से कहती रही है कि दलित और मुस्लिम एक ऐसा गठजोड़ बन सकता है उत्तर प्रदेश में जो एक ही झटके में लगभग 37 से 40% वोट उसके पास आ सकता है। 37 से 40% वोट अगर बहुजन समाज पार्टी की इस रणनीति के तहत, दलित और मुस्लिम गठजोड़ के तहत आ सकता है, तो बचा ही क्या? इंडिया गठबंधन के पास वोट ही कहाँ बचा? बसपा का पहला टारगेट था कि यह दिखाना समाजवादी पार्टी को कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर सकती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को हराने का कोई मादा रखता है तो वो बसपा रखती है। आपको सोचने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा, चाहे जिस तरीके का हो, सांप्रदायिकता का विरोध किया, उसने सर्व समाज की बात की, वो सभी लोगों की बात करती है। लेकिन ये चीज़ें और पार्टियां कर नहीं पा रही हैं, लेकिन मीडिया में एक तबका ऐसा है जो बहुजन समाज पार्टी को कम करके आंकता है, कम करके दिखाता है। इसी सिलसिले में मायावती ने क्या चाल चली? मायावती ने सबसे पहले मुरादाबाद सीट से इरफान सैफी को टिकट दे दिया। आपको हम बता दें, जब उन्होंने इरफान सैफी को टिकट दिया तो ये पहला संकेत मिल गया कि सही है, अब जो है मुस्लिम समाज से एक प्रत्याशी आया है। उसके बाद मायावती ने पीलीभीत से अनीस अहमद को टिकट दिया और उन्होंने कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को टिकट दिया। इसी तरीके से अमरोहा, जहां से दानिश अली बसपा के सांसद थे, वहां से मायावती ने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया। अब आप सोचिए, पश्चिम में दलित और मुस्लिम ये दोनों गठजोड़ मिलके कहीं कहीं 50 से 55% अपना वैल्यू रखते हैं, वोट की वैल्यू रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारी सीटों पर, इसमें सहारनपुर है, कैराना है, मुरादाबाद है, अमरोहा है, फिरोजाबाद है, अलीगढ़ है, आगरा है, हाथरस है, बागपत है, इन सारी सीटों पर मुस्लिम और दलित गठजोड़ का एक इशारा किया बहन जी ने, और उन्होंने उसी हिसाब से टिकट का बंटवारा किया। उन्होंने दो और सीटों पर उत्तर प्रदेश में टिकट का बंटवारा किया है, जिसमें बिजेंद्र सिंह को उन्होंने टिकट दिया है बिजनौर से, और मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को दिया है।
लेकिन मायावती ने इस तरीके की चाल चली, जब मुस्लिम प्रत्याशी उतारने लगे तो सपा प्रचारित करने लगी, देखो ये तो भाजपा के कहने पर उतार रही है, भाजपा के कहने पर उतार रही है, बसपा भाजपा की बी टीम है, मुस्लिम प्रत्याशी इसलिए उतार रही है ताकि इंडिया गठबंधन कमजोर हो, जबकि ऐसा नहीं है, ये तो बहुजन समाज पार्टी की अपनी चाल है। आपने क्यों गलती किया? जब बसपा इंडिया गठबंधन में आने को तैयार थी, वो आपके साथ मिलकर अधिकतम सीटों को जिताने के लिए तैयार थी, तो यह गलती समाजवादी पार्टी ने किया, यह गलती कांग्रेस ने किया कि मायावती को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया। जब मायावती को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया तो बहुजन समाज पार्टी का भी तो एक कर्तव्य बनता था कि इन पार्टियों को आईना दिखाए। जब बहन जी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, चाहे वो अनीस अहमद की पीलीभीत से हो, चाहे मुरादाबाद से इरफान सैफी की हो, चाहे कन्नौज से शकील अकील अहमद पट्टा की हो, या अमरोहा से मुजाहिद हुसैन की हो, तब समाजवादी पार्टी अनर्गल आरोप लगा रही है कि ये तो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आचार संहिता लगने के बाद या तो इंडिया गठबंधन के जितने घटक हैं वो दोबारा मायावती से बात करें, बहुजन समाज पार्टी से बात करें और उचित सम्मान के साथ सीटें दें, जिससे आगे बसपा भी इंडिया गठबंधन में आ सके। नहीं तो यह तय है कि इंडिया गठबंधन को वह सफलता नहीं मिलेगी जो सफलता बहुजन समाज पार्टी के आने से मिलती। अभी भी लोग अनुमान लगा रहे हैं, लोगों के पास कुछ लोग मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आएगी। इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी भले ना आए, लेकिन इंडिया गठबंधन की अपनी मजबूरी है कि बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लें। 20% वोट अगर उनको चाहिए तो लें, और अपना 17% वोट अगर 20% वोट में जोड़ना हो तो ना लें। इससे तो समाजवादी पार्टी की राजनीति हाशिए पर आ गई। एक झटके में, मायावती के एक झटके में समाजवादी पार्टी की राजनीति हाशिए पर दिख रही है। यह दूसरी बात है कि मीडिया का बड़ा तबका इस बात को दिखाता नहीं है। मीडिया का बड़ा तबका ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में है, जबकि हर सीट पर बसपा ऐसा त्रिकोण खड़ा कर रही है कि बिना उसके इंडिया गठबंधन नहीं जीत सकती है। अब लोग कहते हैं कि चलो भाजपा को मदद कर रही है। भाई जब जो है समान विचारधारा वालों को आप कहते हो एक साथ आइए, और समान विचारधारा वाले में ही जो है आप बातचीत नहीं करते हो, बातचीत का सिलसिला नहीं बढ़ाते हो, कोई बात होती है तो उस पर आगे जो है विरोध करते हो, तो ऐसी कंडीशन में हर जगह जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां तो एक पार्टी तो चाहेगी कि एक पार्टी हटे। जब वो हटेगी तब तो मैदान खाली होगा। अब अगर बसपा इस चाह रही है तो ये तो राजनीति है, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। चलिए बहरहाल बसपा ने अपनी चाल चल दी है और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित गठबंधन की नीति के तहत बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी को नींद नहीं आ रही है, इंडिया गठबंधन के घटक को नींद नहीं आ रही है। यह नींद कब आएगी? 2-4 दिन में सूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद जो डेवलप होगा आपको बताएंगे। लेकिन अभी सूरत हाल यही है कि बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे अपने प्रत्याशियों को उतारती जा रही है, इंडिया गठबंधन का नीच चैन हराम होता जा रहा है। और वे कितनी सीटें जीतेंगे वो डेली कैलकुलेट करते हैं कि आज हम 40 सीट पर मजबूत हैं, जैसे ही बहन जी का प्रत्याशी आता है तो फिर वो घट जाता है, इसी तरीके से घटता रह रहा है। और इस घटत को रोकने के लिए बसपा का इंडिया में आना जरूरी है। क्या होगा आगे हम आपको फिर बताएंगे। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए MT टॉक शो।